Self splicing introns reveal that RNA can catalyze RNA splicing. There are total three classes of splicing found in the cells. These are nuclear pre mRNA, group two introns and group one introns. Thus far, we have dealt only with the nuclear pre mRNA splicing. That is mediated by the spliceosome found in all the eukaryotes. The so called group 1 and group 2 are self splicing introns. By self splicing, we mean that the intron itself folds into a specific conformation within the precursor RNA and catalyzes the chemistry of its own release. So the uh, rna uh, uh, introns itself release them from the mrna no any other external uh, spliceosome or external proteins are required in terms of a practical definition self splicing refers to introns that can remove themselves from rnas in the test tube इन दबसेंस ऑफ एनी प्रोटीन्स और अदर आर एन ए मॉलिक्यूल सो सेल्फ स्प्लाइसिंग मीन्स के अगर हम इस एम आर एन ए को प्री एम आर एन ए को अगर हम टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं और इसमें कोई भी हम एडिशनल uh, फैक्टर और एडिशनल प्रोटीन नहीं डालते तो ये इंट्रॉन्स सेल्फ स्प्लाइस कर लेंगे खुद ही अपने आप को उस एम आर एन ए से रिमूव कर लेंगे The self- splicing introns are grouped into two classes on the basis of their structure and splicing mechanism and these two classes are group two introns and group one introns strictly speaking self splicing introns are not enzymes because they mediate only one round of RNA processing and if uh, we say k enzymes तो इसका मतलब है वो एक राउंड ही तो ना प्रोसेस करें क्योंकि एंजाइम्स तो हैं सेवरल रिएक्शंस कैटेलाइज कर सकते हैं बट दीज कैन ओनली प्रोसेस वन राउंड ऑफ आर एन ए प्रोसेसिंग इन द केस ऑफ ग्रुप टू इंट्रॉन्स केमिस्ट्री ऑफ स्प्लाइसिंग एंड आर एन ए इंटरमीडिएट्स प्रोड्यूस्ड आर द सेम एज दो विच आर प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ nuclear pre mrnas for example the intron uses an a residue within the branch site to attack the phosphodiester bond at the boundary between the uh, 5 prime end and the end of the 5 prime exon that is the at the 5 prime splice site so as uh, you have seen uh, केस ऑफ स्प्लाइसियोसोमीडिएटेड स्प्लाइसिंग वहां पे जो है ए जो है वो ही एक्ट कर रहा था फाइव प्राइम स्प्लाइट साइट पे अटैक करने के लिए और इस केस में भी ये जो ए न्यूक्लियोटाइड है ये ही अटैक करेगा उसी साइट पे जैसा कि के उस केस में आपने देखा था दिस रिएक्शन प्रोड्यूसिस द्रांच लॉरिएट

जैसे कि न्यूक्लियर प्री एम आर एन ए में होता है यानी कि पहला स्टेप जो है आ, ए अटैक करता है फाइव प्राइम स्प्लाइस साइट पे दूसरा स्टेप जो है उसमें ये जो फाइव प्राइम एंड फ्री हुआ है, ये अटैक करता है थ्री प्राइम स्प्लाइस साइट पे और तीसरे केस में जो है ये इंट्रॉन रिमूव होता है और ये दोनों एग्जॉन्स जो हैं फाइव प्राइम एंड से और थ्री प्राइम एंड से ये दोनों एग्जॉन्स जो हैं ये ज्वाइन हो जाते हैं सो दीज थ्री स्टेप्स दे आर वेरी सिमिलर टू न्यूक्लियर प्री एम आर एन ए स्प्लाइसिंग सो दिस इज द कंपेरिजन ऑफ ऑल थ्री टाइप्स ऑफ स्प्लाइसिंग सो दिस इज प्री एम आर एन ए स्प्लाइसियोसोम सो यू नो हाउ दिस दिस टेक्स प्लेस एंड दिस इज द्रुप टू सेल्फ स्प्लाइसिंग सो इन केस ऑफ ग्रुप टू सेल्फ स्प्लाइसिंग दिस इज ए

इसका मतलब है एक जगह पे यहां पे जी है और बाकी सब कुछ वैसे ही है जी जो है वो फाइव प्राइम पे अटैक कर रहा है और फिर ये जो फ्री हुआ है फाइव प्राइम ये थ्री प्राइम पे अटैक कर रहा है और इस तरह से ये जो है एक एम आर एन ए विच इज लीनियर एम आर एन ए ये लॉरियेट इंट्रॉन नहीं है बल्कि ये लीनियर इंट्रॉन है ये रिलीज हो गया और ये दो एग्जॉन्स जो है ये ज्वाइन हो गए ये जो है ये फिगर तीनों स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म का कंपैरिजन शो कर रही है